गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो सीरीज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सैयद अजमतुल्लाह एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेजेंट्स एक्सप्लोरिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद करियर काउंसलर एंड ट्रेनर मोहम्मद जमीर हुसैन इन एसोसिएशन विद DSR इंग्लिश मीडियम लोअर प्राइमरी स्कूल अलनिसा गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस RM पॉलिटेक्निक एंड बाय DSR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। हाय एंड वेलकम बैक। तो हमने अब तक शुरू किया था इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करने का, जहाँ पे हमने पहले इंट्रोडक्शन, मेकिंग इट हैपन, उसके बाद में बेसिक एजुकेशन, उसके बाद में हायर एजुकेशन, और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचर्स के बारे में। इनफैक्ट इस पॉलिसी के अंदर एक स्टेटमेंट बड़ी ज़ोर से बार बार इसको हाईलाइट किया गया है कि टीचर्स आर अवर सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो टीचर्स के ताल्लुक से काफ़ी कुछ यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर बात किया गया है। डेफिनेटली हर टीचर का ये सोचना होगा कि हमारे सैलरीज़ के बारे में इसमें कुछ बात हुई हो, तो सैलरीज़ के ताल्लुक से इसमें कुछ नई बात की गई है, विच इज़ कंसर्न ऑफ मेनी ए टीचर्स। अभी टीचर्स को जब 31 अगस्त तक का विंडो दिया गया था कि वो अपने कुछ फीडबैक दें इस पॉलिसी के बारे में, तो सभी लोगों ने अपने सैलरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ कंसर्न रेज किया है, और बहुत सारा डिफरेंस है गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स के सैलरीज पेड में। तो खैर, उसका हम टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसका जवाब हमको कब और कहाँ मिले, बट इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे खुशखबरियाँ हैं टीचर्स के लिए, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो इसके अंदर पहली चीज़ ये होगी कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसा होगा। ये पॉलिसी जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में डिफरेंस नहीं करती है, मगर यहाँ पे टीचर्स के ताल्लुक से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स दोनों के पास, दोनों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस या कॉमन एक ग्रेडिंग या कॉमन एक टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को बार बार हाईलाइट किया गया है। तो इसके चलते ये हो जाएगा कि बाय 2030 यानी कि 2030 तक हर टीचर जो भी किसी भी स्कूल में पढ़ाने वाली या पढ़ाने वाले होंगे, उनको ये ज़रूरी होगा कि ये इंटीग्रेटेड बीएड या वो उस लेवल की ट्रेनिंग को अटेंड कर ही आगे आए। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रमोशन कैसा होगा टीचर्स का, जब टीचर्स अपने लेवल में काम करते रहेंगे, जैसे कि हमने दूसरे वीडियो के अंदर हमने जब बात की 5+3+3+4 ग्रेड जो ब्लॉकेज बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई का, टीचर्स का भी प्रमोशन वही ब्लॉक के अंदर होगा। ऐसा बिल्कुल कम या बहुत कम ओकेशंस पे ऐसा होगा जो टीचर जैसे कि 3rd, 4th and 5th ग्रेड को पढ़ाने वाली थी, वो 6th, 7th and 8th ग्रेड को पढ़ाने के लिए अभी प्रमोट हो जाएगी। प्रमोशन जो होगा वही ब्लॉक के अंदर होगा, वही इसके अंदर किया जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी इंसिस की गई है कि स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स यानी कि पब्लिक स्कूल टीचर्स के लिए कि इनका बार बार प्रमोशन ना किया जाए, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर होता ये है कि पॉलिसी के हिसाब से हमको स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देना है। इंडिविजुअल अगर अटेंशन देने की अगर बात हो और बार बार अगर टीचर्स अगर चेंज हो जाए तो इस चीज़ पर हिंड्रेंस, इस चीज़ पर लाइक रोक लग जाएगी। तो इसके लिए टीचर्स का यूजुअल वेरी ऑफन ट्रांसफ़र करना यहाँ पे रोक दिया जाए। ट्रांसफ़र होंगे मगर यूजुअली प्रमोशन वाले केसेस में, जहाँ पे टीचर्स को प्रमोट करके किसी और उसमें भेजना होगा तभी जाके इनका ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा और एक खुशखबरी टीचरों के लिए ये है कि वो अभी दूसरे किसी गैर स्कूली काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जैसे कि कोई सेंसस का काम करना हो, पोलियो ड्रॉप्स का काम करना हो, इस चीज़ के लिए अभी टीचर्स को बिल्कुल भी हायर किया नहीं जाएगा या उनको दावत नहीं दी जाएगी। महज एक चीज़ के लिए यहाँ पे पॉलिसी क्लियर बताती है कि टीचर्स को सिर्फ इलेक्शंस में यूज़ किया जाएगा। तो इलेक्शन की ड्यूटी शायद अभी भी टीचर्स को आएगी, बट उसके अलावा दूसरी ड्यूटी जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बाद शायद से नहीं आएगी। इसके चलते और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पॉलिसी के अंदर की गई है कि हर टीचर को एक साल में मिनिमम 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी, मिनिमम 50 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। तो ये हर साल का एक तरीका बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अभी NCERT और जो पूरे पॉलिसी के स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2022 तक इसका पूरा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, ऐसा इस पॉलिसी में प्रॉमिस किया गया है। तो 2022 के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ पे कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग हर टीचर को एक साल में अटेंड करनी होगी।
इसके चलते प्रिंसिपल्स और हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर जैसा हम लोग अमूमन कहते हैं, क्योंकि CBSE के अंदर तो इसको प्रिंसिपल ही कहा जाता है, तो प्रिंसिपल्स को अभी ये होगा कि वो लोग ये 50 घंटे की ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे एक साल में, इसके साथ में वो लोग लीडरशिप ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, तो वो लोगों के लिए तो 50+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग मैंडेट की गई है इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा एक स्कूल कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की बात हो रही है, जैसे कि हर शहर में कई सारे, एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अंदर कई सारे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्कूल कॉम्प्लेक्स ये होगा इस पॉलिसी के हिसाब से, कुछ प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स को मिलाकर, कुछ छोटे बड़े स्कूल्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स का इमेजिनेशन, इस कॉम्प्लेक्स का तस्वुर क्यों किया जा रहा है? इसका तस्वुर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि होता ये कि अक्सर एक स्कूल में कोई ऐसे कोई स्पेशलाइज टीचर होते हैं जो कि दूसरे स्कूल में नहीं होते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, इस एजुकेशन स्कूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो टैलेंट को शेयर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है उनको एक स्कूल नहीं, एक से ज़्यादा स्कूल उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये होगा स्कूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी लोग इसको मैनेज करेंगे वो यही स्कूल्स के अलग अलग स्टाफ, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ या अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे, वो लोगों को पिकअप करके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इनको यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, और ये ब्लॉक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये इस एजुकेशन के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एजुकेशन जो दी जा रही है उसके ऊपर काफ़ी सारा काम करेंगे। इसके चलते और भी इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, तो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा, और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये दो बोर्ड को 2022 तक बनाया जाएगा, और यही बोर्ड डिटरमाइन करेगा कि टीचर्स की सिलेक्शन कैसी होगी, टीचर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक टीचर को जब हम टीचर बोलेंगे तो उसके लिए क्या क्या उनके पास स्किल्स होने चाहिए, ये सारा चीज़ ये दो डिपार्टमेंट्स, ये दो बॉडीज़ पूरा डिटरमाइन करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे जहाँ पे भी हमने एजुकेशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की थी, कि अभी कोशिश ये की जाएगी कि मिनिमम तो 5th ग्रेड, मैक्सिमम 8th ग्रेड तक मदर टंग लैंग्वेज में, मादरी जबान में पढ़ाई करनी चाहिए बच्चे को, तो उसकी काफ़ी बार बात हुई थी। तो इसके चलते हो जाएगा ये कि जो टीचर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस बात कर सकते हैं उनका डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो टीचर्स को अगर कोई उनको स्पेशल चैलेंज बच्चों को अगर उनको पढ़ाना आता है तो उनके लिए तो स्पेशलाइज इंसेंटिव्स के बारे में भी इस पॉलिसी में जिक्र किया गया है। अगर कोई बच्चे कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, या कोई दूसरे किस्म का उनको फिजिकल चैलेंज है, और टीचर्स अगर इनको अगर उनके पास ये टैलेंट है कि वो इंडियन साइन लैंग्वेज को सीखें और वो इसके तहत बच्चों को पढ़ा सकें, तो इसके लिए उनको काफ़ी हौसला अफजाई की जा रही है, उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी यहाँ पर प्रॉमिस किए गए हैं इस पॉलिसी के तहत। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो टीचर्स के अंदर, जो टीचर्स के लिए जो जो भी प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं, ये काफ़ी सारे बेनिफिशियल रहेंगे टीचर्स के लिए, उनका अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये है। कि इसी के साथ ही हम ये टीचर्स का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कीप वॉचिंग अस, हम आगे और जो भी बचे कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग GoHash, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। Sayyed Azmatullah Educational and Charitable Trust presents Exploring National Education Policy 2020 with Career Counselor and Trainer Muhammad Zameer Hussain in association with DSR English Medium Lower Primary School, Al-Nisa Girls Pre-University College of Arts and Science, RM Polytechnic, and by DSR Institute of Pharmaceutical Sciences.